चलिए अच्छी बात है। ठीक है नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू एग्जाम्पल नंबर क्या है सर? सिक्स, सिक्स नंबर 2, 4, 6 का, ठीक है। तो 2 का फैक्टर कौन होगा सर? 1 × 2 हो जाएगा सर। 4 का फैक्टर कौन होगा सर? 2 × 2 हो जाएगा सर। 6 का फैक्टर कौन होगा सर? 2 × 3 हो जाएगा सर। यही तो होगा सर। एगो सर्किल सर 2 का सर्किल बनाएंगे सर, एक ही समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा प्रखर, बोलो बोलिए सर। जो 5 कॉमन है सर, तो एक ही 5 नहीं है ना सर, 2 5 अरे बाबू, एगो ही 5 बच गया ना, 25 में एगो 5 बच गया ना बाबू, तो वही वाला बोलिए ना। अरे एगो 5 कॉमन है, एगो बच गया ना प्रखर, हाँ तो वही वाला लिया ना, जो यहाँ बचा बाबू वही तो लिए हैं। सीक्वेंस में रहे सर तो ही उसको कॉमन कहा जाएगा सर, है ना सर। हाँ बाबू सेम नंबर रहेंगे तो सीक्वेंस का मतलब क्या बाबू? सेम नंबर, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तब ना कॉमन होगा। यहाँ 4 रहता तो कॉमन होता। सेकंड एग्जांपल समझो। नेक्स्ट बाबू देखो, ये तीनों में कॉमन क्या है सर? इस तीनों में सर बाबू देखो, ये सर मान लो 2 का सर्किल है सर, ये 4 का, ये 6 का, तो तीनों में बाबू देखो यहाँ 2 है सर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये तीनों में 2 कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट तीनों सर्किल में कौन सा? ये वाला है। और ये 2 के सर्किल में क्या बच गया? 1 बच गया। अब बाबू देखो ये 4 के सर्किल 2 है, 2 किसी से कॉमन हो रहा है? नहीं ना हो रहा बाबू, तो ये 4 वाला ना, तो यहाँ 2 लिख दो। ये वो 6 है, 6 3 में कॉमन किसी में हो रहा है? नहीं होता, 6 वाले सर्किल में 3 कर दो, तो सारे को मल्टीप्लाई कर, जो सर्किल के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? जो सर्किल के अंदर है, बाहर वाला मल्टीप्लाई मत कर देना शैतान, नहीं तो गलती हो जाएगा, बाहर वाला को मत कर देना। सर्किल के अंदर जो मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू वेन डायग्राम यूज करके हम लोग बताते बनाते बाबू एलसीएम, जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा बाबू, देखिएगा। नेक्स्ट बाबू अब क्या है? बहुत हो गया बाबू, है ना, कॉमन फैक्टर मेथड। हाँ लिखे लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू 50 बाबू, और क्या बाबू? हाँ 100 है और 150, इसका बनाओ तो आप लोग देखो, तो इसमें कुछ सीखने को मिलेगा मौका वेन डायग्राम से। आता है वेदांत बाबू समझ में? गोल मटोल, यस सर। हाँ बाबू, तो कल सुबह भी उठ के आना है? यस सर। हाँ बाबू चलिए, आप लोग का क्लास 30 में थी, इतना कोई पढ़ाता? हमको नहीं लगता होगा कोई स्कूल या कोचिंग में इतना क्लास चलता है बाबू, ऑफलाइन रहे चाहे ऑनलाइन रहे, जो छूट गया है छोड़ो क्या पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम क्या दें, हम सोचा छोड़ो रहने तो पढ़ा देते हैं। जल्दी से कीजिए इसको। लो लाइट गए हो, आगे समझ में शिवांगी? लेट से 300 होगा क्या सर? 300। हाँ बाबू, तो शिवांगी नहीं है सर, चली गई सर। चल गई शिवांगी, अटेंडेंस गया है सर, है सर, है सर, देखिए। वैसे बोल रहे ना, तुरंत सीना पे चढ़ जाएगी इंजरी, खतरनाक है एकदम, वैसे मत बोलिए। नहीं सर, नहीं देख सकते, अभी नहीं सुन रही है, मगर मच देखते हो बाबू कैसे शांत से बैठा रहता है, जैसे कोई जाता है। नहीं सुन रही, सही में नहीं रिस्पॉन्स दे रही, स्टक हो गई लगता, नहीं सुन रही। ठीक है बढ़िया, नहीं सुनी जो ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं ना। देखो समझो बाबू, प्रखर बाबू समझो, 50 का फैक्टर बताओ तो प्रखर, आप लोग बताए 50 का फैक्टर बताओ प्रखर बाबू। 5 × 10 सर। अरे शैतान है, प्राइम फैक्टर है जैसे बताना, 5 × 10 करोगे कितना बाबू? 2 × 5। हाँ बताए वेदांत बाबू, शर्मा जी तो गलती बता दिया, वेदांत बाबू तो 100 का, 100 का बताओ, प्राइम फैक्टर है जैसे 100 का सर। हाँ बाबू 100 का, 2 × 5 × 5 × 5 इसको मल्टीप्लाई करो तो बाबू कितना हो जाएंगे? बात वेदांत नाम रोशन करोगे,
मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 आता है सर, उसको 2 × 2 × 5 × 5 नहीं लिख सकते हैं। यस सर। अरे सैदानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 फैक्टर करवाओ तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, तो जो भी फैक्टर करोगे उसको फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आना चाहिए, ये नंबर आएगा वो फैक्टर साइज थोड़ी है। नो सर 250 आ जाएगा सर। हाँ तो फिर कहा है वेदांत बाबू गलती कहा बोलते बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू इसका कितना होगा कौन बताएगा, कौन बताएगा बताइए प्रकाश सिंह। 3 × 5 × 5 अब सर्किल बना बाबू, 3 नंबर है 3 नंबर का सर्किल बना, एक यहाँ पे नहीं बन पाएगा साइड में बनाते हैं। एक सर्किल सर, 2 सर्किल सर, 3 सर्किल सर, एक सर्किल 50 का सर, दूसरा सर्किल 100 का सर, तीसरा सर्किल सर 150 का। अब तीनों में पहले क्या कॉमन है सर, देखो सर एक और 5 कॉमन है तीनों में, ये 5 कॉमन हो गया तो तीनों में कॉमन 5 लिख दिया सर, और कुछ कॉमन है सर। हाँ सर यो 5 तो कॉमन है हमको दिख रहा है, ये भी 5 कॉमन है दिख रहा है तीनों में, तो दूसरा 5 दिख रहा है तो दूसरा 5 लिख दिया, और तीनों में कुछ सर 25 लिख सकते हैं। हाँ बाबू लिख सकते हो बाबू ठीक है ना, 5 5 करके लिखोगे ना बाबू। 2 बाबू देखो सर आपका कॉमन ये सर 2 भी तो कॉमन है तो यहाँ बाबू 2 भी लिख दिया, तीनों में ये कॉमन हो गया ठीक है बाबू। अब बाबू देखो 50 का बाबू सारा नंबर कॉमन हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे। नेक्स्ट बाबू 100 का कौन नंबर 2 बच गया तो 100 में 2 बच गया बाबू, जो किसी में नहीं कॉमन हो रहा है तो 100 में 2 यहाँ लिख दो। नेक्स्ट बाबू 150 में बाबू 3 बच गया जो कहीं कॉमन नहीं हो रहा तो 3 यहाँ लिख दो 150 में, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो सर्किल के जो अंदर है तो 2 × 2 E2 हो गया, E2 हो गया, I5 हो गया, I5 हो गया, 2 × 5 है 3 सर 300 होगा सर। हाँ 300 होगा बाबू, समझा वेदांत बाबू? यस सर। चलिए नारायण जी चल गए हमारे, नहीं बर्दाश्त किया लगता चल गया। आओ पढ़े बाबू की रहने देख, बाकी वो सुबह बता देंगे फिर सर, एक सर रहने दीजिए सर, रहने दीजिए सर, छोड़ दीजिए ना सर, 8 बजने वाला है। हाँ बाबू अच्छा ठीक है छोड़ देते, एक वो सुबह बता देंगे, कल हम लोग मॉर्निंग SCF पढ़ेंगे है ना बाबू, ये आपका LCM खत्म हो जाए सर, होमवर्क दे दीजिए, छोड़ दीजिए सर, बर्थडे पार्टी में जाना है छोड़ दीजिए। अब रात रात को होमवर्क बनाओगे बाबू ये लड़का? यस सर होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क दे दीजिए। अरे सर मत दीजिए, अरे सर 23 को सर मत दीजिए सर, सुबह सुबह।